अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको खुश आमदीद कहते हैं माय मास्टर क्रिकेट कोच सभी अदर साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, दो दिन का खेल हो चुका है, आज तीसरे दिन का खेल होगा। सूरत हाल आपके सामने ही है। पहले दिन 126 पे 5 आउट थे, तो पाकिस्तान ने 97 रन मजीद जोड़े हैं। अभी 9 खिलाड़ी आउट है। रिजवान मेरे हम नाम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, 60 पे नॉट आउट है। और पाकिस्तान ने अभी कितने हो गए जी, 126 में हम 97 जोड़े तो 223 पे 9 आउट है। तो सभी भाई ओवरऑल डे कंक्लूड करें कि कैसा रहा पाकिस्तान के लिए। अगर आप समझें कि टेल के साथ वो जिस तरह खेला है रिजवान, उसकी बैटिंग पे भी आप बात बताइए, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये ओवरऑल अगर हम देखा जाए, जिस तरह ऑन एंड ऑफ मैच हो रहा है, पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा आप कह लें कि सेटिस्फेक्ट्री डे था। कि जो हम कल भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान को तकरीबन छोटा एक टारगेट 100 रन और ऐड करने चाहिए, और अगर जैसे रिजवान के साथ अगर बाबर ही खेल रहा होता तो शायद तो बहुत ही जबरदस्त एक सिचुएशन होती। लेकिन फिर भी बाबर भी तो 47 किया है, अच्छा खेल है, अच्छा बॉल पड़ गया है। लेकिन रिजवान जो है वो कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल है। जितना उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, जितना उसके वो अंडर प्रेशर था, मेरा ख्याल है कि उसने ये अपने आप को जस्टिफाई किया, वो कि इज ए फाइटर और वो गुड परफॉर्मर है। और उसको जब पाकिस्तान की टीम को जरूरत थी और टाइमली उसने कल रन्स किए, 60 रन्स पे अभी भी खेल रहा है। और मुझे लग रहा 60 तो मतलब सेंचुरी के कंसीडर करना चाहिए जिस कंडीशन में उसने 60 किए। देखिए, स्कोर जो भी है जवान भाई, वही वैल्यूएबल स्कोर है जो उससे आप टीम की पोजीशन बेहतर हो, या टीम के लिए आप मैच जीते, या टीम के एक बड़े टोटल में कंट्रीब्यूट करें। सही। तो रिजवान ने जो कल जिस तरह की इनिंग खेली है, बॉल उसको बीट भी हुए हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो अंदर रहा, फाइट करता रहा, शॉट्स भी खेले हैं, मतलब एक बड़ी अच्छी कॉम्पैक्ट और बड़ी मैच्योर इनिंग उसने खेली है, अंडर जो कि हमारे सीनियर प्लेयर्स को खेलनी चाहिए थी। लेकिन उसने ये बताया कि ही इज ए गुड सिलेक्शन फॉर पाकिस्तान, और वो अब पाकिस्तान के लिए लंबा जाएगा। बिल्कुल सही है। और टेल के साथ खेलने की कल जिस तरह खेला है, तो आसिफ शफी किस तरह के खेला करते थे टेल के साथ, लेकिन आजकल वो अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये रिजवान का जरा बताइए कि जिन लोगों को नहीं पता, डोमेस्टिक में भी इसी तरह खेलता है? डोमेस्टिक में थोड़ा सा ये ऊपर वाले नंबर पे आता है, नंबर 4 खेलता है, नंबर या 1 डाउन खेलता है, तो ये बड़े रन करता है। सही है। इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखे यही एक फायदा होता है कि आजकल का जो दुनिया में जो एक चल रहा है कि कीपर जो है उसको पूरा बैट्समैन होना पड़ेगा, तभी आपकी टीम का एक अच्छा कम्बिनेशन बनता है। तो है। ये जो रिजवान है, ये डोमेस्टिक में भी बड़े रन करता है, और इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब भी आया, वन डे में भी 100 किया, टेस्ट मैच में भी, तो ये अब पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एसेट बनता जा रहा है। सही। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कल उसने 60 कर दिया, इससे पहले भी वो अच्छी परफॉर्मेंसेज कर चुका हुआ है। तो ये जो इसके जो 60 रन है, ये आगे आने वाली सीरीज में, आगे T20 सीरीज में, और फर्दर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बड़ा उसको एक बूस्ट मिलेगा, और वो आज थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होगा, और आज देखिएगा कि वो 15-20 रन आज भी वो ऐड करेगा पाकिस्तान के टोटल में। ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी अगर पाकिस्तान के टोटल में मजीद 15-20 रन ऐड हो जाते हैं। तो फिर आपने कहा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं, लेकिन रिस्पेक्टेबल टोटल है, तो बैटिंग में तो जो फिर करना था वो कर दिया, आखिरी विकेट है, वी होप के 20 रन मजीद ऐड हो जाए, अदरवाइज 235-40 का जो ये पाकिस्तान ने टोटल किया है फर्स्ट इनिंग में। तो आप बॉलिंग को कैसे देख रहे हैं आप? बॉलिंग का इम्तिहान है, 3 फास्ट बॉलर हैं और यासर शाह, और क्या समझते हैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग में सलाहियत है, कहां तक रोक सकता है इंग्लैंड को? देखिए, बॉलिंग के से बात करने से पहले मैं एक जो क्वेश्चन मेरे से कल भी काफी लोगों ने पूछा कि बाबर आजम क्यों नहीं बड़ा स्कोर। मैं बात काट रहा हूँ, आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनके यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं जी, कि बाबर आजम क्यों नहीं बड़ा स्कोर कर रहा। एक्चुअली जो जिसपे मैं एक दो दिन से ये बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जब नंबर 4 पे जब ऊपर से एकदम से, या तो एक लंबी एक पार्टनरशिप ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाए, या उसके बाद जब बाबर का नंबर आता है, थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर होता है, फिर कंडीशंस भी ऐसी हैं कि 2 आउट हुए हैं, क्योंकि उसने आप लेके जाना है,
जो उसने कल स्टार्ट लिया था, जो वो खेल रहा था, मतलब नेचुरल गेम नहीं खेलता वो, नेचुरली वो खेलता अपनी नेचुरल गेम ही है, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा प्रेशर होता है कि यार अब मैंने ही करना है। सही। तो अगर ऑलरेडी 100-150 रन बोर्ड पे हो और फिर उसकी अगर बारी आएगी तो वो एक डिफरेंट प्लेयर होगा, लेकिन क्योंकि अब वो सारे उसको रेट करते हैं कि वो एक बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, तो अगर वो बड़ा प्लेयर बनना है तो फिर उसको रिजवान ने जैसे 60 रन किए उसको भी कल 70-80 रन कल करने चाहिए थे। ऑल दो के ठीक है, उसको एक बॉल अच्छा पड़ा है, लेकिन ये उसका मतलब नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बैट्समैन होते हैं, दे आर बाउंड टू प्ले गुड बॉल्स, दे आर बाउंड टू प्ले स्पिन, दे आर बाउंड टू प्ले बाउंसर, तो ये एक बैट्समैन का ये काम ही है। अब आप कह रहे हैं बॉलिंग, देखिये बॉलिंग में बहुत सारे जो बहुत ज्यादा बात हो रही है कि कम है शायद एक बॉलर। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर रहना है और इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने अच्छी पोजीशन बनानी है तो फिर इन चार ने ही कुछ करना है। सही। फिर अगर पांचवा भी होगा, अगर ये चार नहीं करेंगे तो पांचवा भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे देखें कल इंग्लैंड की बॉलिंग ने उनके स्पिनर्स का नंबर नहीं आने दिया। जी नहीं। तो आई विश कि मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो फास्ट बॉलर है तीनों, देखे नसीम शाह को भी अब अपने आप को बताना है कि वाई आई एम नसीम शाह, मुझे क्यों इतना हाईली रेट कर रहे हैं, मेरी पेस है। अब पेस के साथ ही नीड्स विकेट्स। सही। अब्बास का जो रोल है ना, अब्बास का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब्बास को इस वक्त तक जो पिच का बिहेवियर चल रहा है वो उसको ये आइडियल कंडीशंस है, उसकी बॉलिंग को ये सूट करता है। और इंग्लैंड भी मेरा ख्याल है कि ये चीज नोट कर रहा होगा कि उन्होंने बाबर को कैसे करना है। नसीम शाहीन शाह, मैंने जैसे कल भी आपसे कहा था कि वेरी मच इम्प्रूव्ड बॉलर, ऑल्दो उसे फर्स्ट टेस्ट मैच में उतनी विकेटें नहीं मिली हैं जितनी कि उसको विकेटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो बॉलिंग जो है अच्छी कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक शाहीन शाह के मुतालिक मैं बात करूंगा कि वो जो राउंड द विकेट आ जाता है तो राउंड द विकेट उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल के अंदर अगर मैं एज ए बैट्समैन ही अपने आप को करूं तो राउंड द विकेट जब वो आता है इधर से आने वाला, सामने से आने वाला बॉल थोड़ा खेलना इजी होता है। सही है। वही अगर वो अपने ओवर द विकेट करेगा तो एंगल बनेगा, बॉल स्विंग होगा, वो बैट्समैन थोड़ा सा जो है वो उसमें रहता है, मुश्किल रहता है और वो थोड़ा अनडिसाइसिव होता है कि ये कौन सा बॉल अंदर आ जाना है, कौन सा बॉल बाहर निकल जाना है। तो उसको ज्यादा बॉलिंग जो है वो करनी चाहिए ओवर द विकेट, ताकि बैट्समैन को वो एंगल से या स्विंग से ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। सही। और बॉल को जो है वर्कआउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, कल केयरफुली बॉल को जो है वर्कआउट करें, बहुत ज्यादा उसके ऊपर ये स्वेटिंग ना करें, बॉल को गीला ना होने दें, और कोशिश करें कि बॉल जितना ड्राई रहेगा, उसकी सीम जितनी ड्राई रहेगी उतना ही बॉल ज्यादा स्विंग होगा। सही। सभी साहब, दो दिन का खेल हो चुका है लेकिन टेक्निकली 85 ओवर हुए हैं और एक ही दिन का आप समझें कि वो एक ही इनिंग्स अभी तक हुई है, तीन इनिंग्स अभी मैच की बाकी है, लेकिन जो वेदर है वो उसी तरह का अभी आज भी है कि शायद वहां पे बारिश होगी, बात बात इंटरप्ट करेगा, तो कंडीशंस जो बॉलिंग के लिए तो सूटेबल है, तो फिर कोई वजह तो नजर नहीं आती कि जो अगर खासतौर पर अब्बास से काफी होप्स है कि अगर कंडीशन सूटेबल है तो फिर ये अच्छा परफॉर्म ना करे। नहीं, परफॉर्म देखिए, जो ऑन एंड ऑफ जब कंडीशंस होती है तो वो ज्यादा बैटिंग को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि आप बैट्समैन को थोड़ा टाइम लगता है सेट होने के अंदर, बैट्समैन जब सेट होता है ऑफ चला जाता है, तो बैटिंग के लिए मुश्किल है, बॉलिंग के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए बॉलर जो बॉल उसने आना है एक ओवर करना है, या उसने चार बॉल करने हैं, उसने अपनी लाइन पकड़ लेनी है। सही। तो इसलिए मुश्किल अगर ऑन एंड ऑफ आज कंडीशंस है तो वो इंग्लैंड की बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए पाकिस्तान की सिर्फ ये है कि बॉलिंग में पाकिस्तान इन कंडीशंस को किस तरह यूटिलाइज करता है, किस तरह अपनी स्विंग को कंट्रोल करता है। छोटा स्विंग होगा तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, बहुत लंबा स्विंग होगा उसको फिर कंट्रोल चाहिए पाकिस्तान की बॉलिंग को। अब्बास सिर्फ नहीं है, शाहीन शाह से भी मुझे बहुत उम्मीद है कि शाहीन शाह इस मैच के अंदर, इस इनिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म उसको करना चाहिए। ठीक है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं, बॉलिंग कैसे करवानी है, किस लाइन पे करवानी है और किस एंगल से करवानी है, तो इंग्लैंड की जो अब बैटिंग ऑर्डर है वो भी काफी तगड़ा है, सातवें आठवें नंबर पे जाके बेस और वोक्स वगैरह आते हैं, ब्रॉड ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की हुई है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी 250 के आसपास पकड़ सकता है?
विकेट पकड़ सकता है, वो तभी पकड़ेगा कि पाकिस्तान का जो नया बॉल है वो हमारे बॉलर किस तरह यूज करेंगे। सही है, ठीक है। नया बॉल ये नहीं है कि नया बॉल, देखे उनके भी ओपनर्स आएंगे, वो भी चाहेंगे कि हम नया बॉल सरवाइव करें। तो पाकिस्तान को सुबह अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए, नए बॉल से पहले 10 ओवरों में या 12 ओवरों में जो दोनों का एक एक स्पेल है उसमें से दो या तीन विकेट अगर पाकिस्तान को मिल गई तो फिर ये 230-235 स्कोर भी जो है वो इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। सही है, क्योंकि देखिए इस वक्त दोनों ओपनर्स और रूट अंडर प्रेशर, और जो दोनों ओपनर्स की टेक्निक है वो इस वक्त पाकिस्तान की स्विंग बॉलिंग को सूट करती है। तो पाकिस्तान को इस चीज को जेहन में रखना चाहिए बॉलर्स को कि इन दोनों को हमने ज्यादा लंबा नहीं जाने देना। पॉप जो है वो इस वक्त फॉर्म में है, सही। पॉप अच्छा खेल रहा है, वो थोड़ा सा अटैक करता है, अच्छा खेलता है। बाकी जो क्रॉली ने आया है, कम बैक किया है, स्टोक्स की जगह आया है, बड़े नाम को रिप्लेस किया है, जाहिर है कि वो अंडर प्रेशर होगा, तो उसको और अंडर प्रेशर करना है और जल्द से जल्द उसको आउट करना है। बटलर और वॉक्स ब्रॉड है, थोड़ा उनकी डेप्थ है टेल में। तो अब पाकिस्तान ने अगर ऊपर से प्रेशर डाल दिया तो मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही है जी, और बैटिंग ने तो जो करना था कर लिया, अब बॉलिंग की बारी है। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे कह रहे हैं लाइन एंड लेंथ पे गेंद करवाएं, ज्यादा गेंदें खिलवाएं, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऊपर के दो तीन जल्दी आउट हो जाएं, उम्मीद करते हैं भाई ऊपर के जल्दी आउट हो जाएं और पाकिस्तान जरा इस मैच में बेहतर करे। कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा, चैनल आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एक इधर रिजवान भी मैं बात ये करूंगा कि एक तो बहुत सारे मुझे मैसेजेज आ रहे हैं कि कोचिंग टिप्स भी साथ आप दें जी, तो जरूर आप मेरे से क्वेश्चन करें। तो इसी शो में मैं फिर एंड पे जो भी कोई कोचिंग के हिसाब से कोई क्रिकेट की टेक्निक का पूछना चाहते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैं उसका आपको फिर यहीं पे इसका आंसर दे दिया करूंगा डेली के बेसिस के ऊपर। बाकी बहुत शुक्रिया सबका कि मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं आप लोग और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और कमेंट भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो इसी तरह मेरी मुझे इनकरेज करते रहिए, तो आने वाले वक्त में आपको कोचिंग के भी वीडियोस मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो वो जरूर मेरे से आप पूछें। बिल्कुल सही है जी, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।